अब उम्मीदवार भी अपने मतदाताओं को कैसी कैसी धमकियां देने लगे हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण सामने आया है। साक्षी महाराज को तो आप जानते ही होंगे। ये उन्नाव लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं और इनका वास्तविक नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद हरी उर्फ साक्षी महाराज। ये हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने एक नया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों ने वोट नहीं देंगे तो अपने पाप उन्हें दे जाएंगे। यानी मैं मतदाताओं को सीधे सीधे धमका रहे हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ और मुझे अगर तुमने वोट नहीं दिया तो मैं फिर अपने पाप तुम्हारी झोली में डालकर चला जाऊंगा। साक्षी महाराज ने धमकी के पीछे शास्त्रों में लिखी बातों का उल्लेख भी किया है। उन्होंने जब एक सन्यासी भिक्षा मांगता है तो वो नहीं मिलती तो गृहस्थी के पुण्य ले जाता है। अगर आपने भी एक सन्यासी को वोट नहीं दिया तो मैं अपने पाप आपको दे जाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं धन या दौलत नहीं मांग रहा हूँ, लोगों से वोट मांग रहा हूँ। कुल मिलाकर साक्षी महाराज का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि साक्षी महाराज को वोट नहीं दिया तो क्या उनके पाप लोगों के घर आ जाएंगे। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.